हेलो नमस्ते और प्यार भरा नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में, एक नई जगह से। दोस्तों अभी मैं जहां हूं, ये जगह है रांची और गुमला के बीच में और जगह का नाम है नागफेनी। और जहां हम लोग जा रहे हैं दोस्तों, वो एक छोटा सा वाटरफॉल है जो दक्षिणी कोयल नदी पर बना हुआ है। तो इस वाटरफॉल का नाम है दोस्तों अम्बाघाट, और अम्बाघाट जलप्रपात अभी हम लोग जाएंगे। और हम लोग जिस रास्ते पर जा रहे हैं उसी के बगल में एक छोटी सी पहाड़ी देखिए, खूबसूरत सा हरा भरा, क्योंकि बरसात का मौसम है और चारों ओर हरियाली हरियाली छाई हुई है, तो घूमने का ऐसे में मज़ा ही कुछ और है। तो हम लोग अपने बाइक से आए थे, एक्चुअली हम लोग गए थे सिसई, और सिसई से लौटते हुए हम लोग यहाँ घुस रहे हैं। तो आज मैं आया हूँ अपने दोस्तों के साथ, और मेरे दोस्तों से आप मिल चुके होंगे, हालांकि मैं फिर भी आपको इनका नाम बताते हैं। ये है पंकज और ये है दयानंद, और आए हम इस बाइक से, हमारी हीरो होंडा स्प्लेंडर। तो चलिए चलते हैं अब और दिखाते हैं आपको खूबसूरत सा लोकेशन यहाँ का। ये दोस्तों ये वाइट कलर का, या कहिए गुलाबी और लाल कलर का आप फूल देख रहे हैं, यह है पुटुस का फूल। तो बरसात में और ठंड दिनों में ये खिल के पूरा सदाबहार हो जाता है, और इसका जो बीज होता है दोस्तों, बचपन में हम बहुत खाते थे पुटुस का फल। यहाँ पर आप देखिए, ये अभी हरा हरा है, छोटा छोटा गोल गोल गुच्छा गुच्छा होता है। मेरे पीछे आप इधर देख पा रहे होंगे, ये है दक्षिणी कोयल, और पास में ही एक शिव भगवान का मंदिर भी है खूबसूरत सा। तो अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है और मुझे छाता अभी उठाना पड़ गया क्योंकि मोबाइल भीग जाएगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ उसी झरने की तरफ। तो ये जगह नागफेनी जो है रांची और गुमला के बीच में पड़ता है, गुमला से लगभग आप कह सकते हैं कि 20 किलोमीटर पहले ही रांची की तरफ। और जैसे जैसे हम लोग अभी पहुँच रहे हैं इस नदी के पास, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी झरने की, क्योंकि पानी थोड़े ऊंचाई से गिरता है। यहाँ पर एक छोटा सा चेक डैम भी बांधा हुआ है इस तरफ, तो अभी हम लोग जस्ट वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये आप देख पा रहे होंगे पीछे, ये है दक्षिणी कोयल नदी, और इसी पर एक छोटा सा वाटरफॉल है जिसको मैंने बताया अम्बाघाट, और नदी इधर से आती है और इधर को जाती है, और पीछे आप देखिए चट्टान कैसे बना हुआ है। तो नदी यहाँ पर थोड़ी सक्रिय है लेकिन उधर जाके चौड़ी हो जाती है, तो ये खूबसूरत सा लैंडस्केप बनाती है। यहाँ पर देखिए चट्टान कैसे खड़े खड़े दिखाई दे रहे होंगे, हालाँकि पानी का लेवल अभी बढ़ा हुआ है और पानी पीला भी है क्योंकि रेगुलर बरसात हो रही है। तो अभी हम लोग जाएंगे नीचे, देखेंगे वहाँ पर, और पानी की आवाज़ आप सुन ही सकते हैं झरझर झरझर। तो कुछ लोग यहाँ पहले से ही आए हुए, हमने बाइक वहाँ पर खड़ी कर दी है, मैं पहले ही उतर गया था और बाइक का मैंने शॉट नहीं लिया। ये जंगल है, पूरा जंगल क्या, एक छोटी सी पहाड़ी है और उसके नीचे से नदी बहती है, तो पहाड़ी में पेड़ लगे हुए हैं, बहुत सारे झाड़ियाँ हैं, तो ये जंगल पूरा बन जाता है। पहले तो जंगल ही था ये सारा, और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों, ये है खूबसूरत अम्बाघाट। और हल्की हल्की बारिश हो रही है तो मौसम भी काफ़ी सुहावना हो गया है, देखिए चारों ओर आसमान में बादल ही बादल।
दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं इस बांध के ऊपर और यहाँ के पानी कुछ ऐसा दिख रहा है। देखिए ये जितना खूबसूरत दिख रहा है उतना खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ पर कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। दोस्तों इस जगह इस नदी का रौद्र रूप देखिए, कैसे कितनी स्पीड से ये आ रहा है उधर से। और यहाँ पर एक जहाँ पर से घुस रहा है, तो ये जहाँ पर घूम रहा है यहाँ से ये पानी यहाँ से घुसता है और दोस्तों इधर से ये निकल जाता है तेज धार होते हुए। सामने भी कुछ ऐसा ही है। जगह को नटपेनी इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि ये जो चट्टान आपको दिख रहा होगा ये नाक के पानी की तरह है। अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कैसे ऐसा दिखता है। ये इस एंगल से नहीं दिख रहा लेकिन दूसरे एंगल से वैसा दिखता है कि जैसे नाक का पानी बनाया हुआ है। तो इसके कारण ही इस जगह का शायद नटपेनी नाक पड़ा। पाइपलाइन बहुत पहले लगाया गया था लेकिन अभी कोई काम का नहीं है, ये ऐसे ही बस देखने के लिए। और अभी हम जा रहे हैं इस रास्ते से। जंगल होते हुए यहाँ से कूदना पड़ेगा। जय बजरंग बली। दोस्तों ये घास है, इसको हम लोग अपनी भाषा में चौराट घास बोलते हैं। जब इससे होके जाएंगे हम लोग तो ये कपड़ा में लटक जाता है और पूरा ऐसे पूरा लग जाता है। देखिए ये ऐसा कुछ लगा हुआ है, ऐसे घुस जाता है जूता में कपड़े में, तो इसको छुड़ाना एक आफत है। और इस रास्ते से हम जाएंगे अभी। ये चला जाता है, कुछ लोग यहाँ पर मछली भी मार रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए चट्टान कैसे सांप के फन की तरह बना हुआ है, इसीलिए इस जगह को शायद नागफेनी भी कहा जाता है। और हम लोग खड़े थे अभी उस तरफ ऊपर की ओर, तो नीचे से कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर पानी पूरा पीला, बरसात में येलो रिवर हो जाता है दोस्तों। और यहाँ पर कुछ लोग इस जाल से मछली फंसाने का भी काम कर रहे थे, तो अभी रखा हुआ है ये सुखाने के लिए, शायद इनका समय हो गया जाने का। और नीचे से कुछ ऐसे देखिए चट्टान कैसे चिकने हो गए, धारी धारी आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर चट्टान के बीच में जो एक छोटा सा कुंड दिख रहा होगा, ये पानी के कारण ऐसा हुआ है। और अभी हम लोग जा रहे हैं आगे, यहाँ पर भी देखिए ये कुंड बना हुआ है और पानी कुछ से जा रहा है नीचे की तरफ। दोस्तों ये यहाँ पर कुंड बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि पानी इसके लेवल से भी ऊपर चला जाता है, तभी ये ऐसा हो गया है। और चट्टानों की आकृति देखिए दोस्तों, ये चिकना चिकना और धारीदार हो गया है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि पानी में क्या ऊर्जा होती है, क्या ताकत होती है, जो इतने मजबूत चट्टानों को भी काट काट के ऐसे बना देती है।
ये देखिए ये पानी की छोटी छोटी लहरें, हम लोग आ गए ठीक इसके किनारे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक गहरा गड्ढा जैसा बना हुआ है जिसमें 7 खाटियों की रस्सियाँ मिलाने से भी उसकी गहराइयों को नहीं नापा जा सका, इसलिए इसे 7 खाटी कुआ भी कहा जाता है। यहाँ नदी के किनारे ही थोड़ी दूर पर पहले भगवान जगन्नाथ का प्राचीन मंदिर भी है जिसकी स्थापना 1761 में की गई थी। मतलब यह जगह प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर भी है और धार्मिक दृष्टि से प्राचीन जगह भी। दोस्तों अभी हम लोग बैठे हैं इस पानी की धार में पैर रख के, यहाँ पर देखिए, और थोड़ा सा खतरा तो है क्योंकि पत्थर पूरा चिकना हो गया है, लेकिन मज़ा आ रहा है यहाँ पर बैठने में, तो पैर पूरा रिलैक्स हो गया इससे। और आप देखिए मेरे पीछे कैसा सुंदर सा वाटरफॉल, ये रहा। तो थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं फिर चलते हैं आगे। दोस्तों अभी तक ये वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके अपने बहुमूल्य सुझाव मुझे दीजिए ताकि मैं अपने ब्लॉग को, अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। खूबसूरत सा जगह है, यहाँ आने के बाद यहाँ से जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करता। तभी से हम लोग बैठे थे लगभग 2 घंटे से और मज़ा आ गया यहाँ आके। पूरा नदी में पीला पीला पानी और हरे भरे पूरे चारों तरफ जंगल और खेत, तो ऐसी जगहों पर आने के बाद मन एकदम खुश हो जाता है। लेकिन अभी बज गए हैं शाम के 5:30 और हम लोगों के घर जाने का वक्त भी हो गया है। तो मिलेंगे आपसे एक नई जगह से, एक नए ब्लॉग में। तो तब तक के लिए इस जगह को अभी अलविदा कहते हैं और आपको भी। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करके बताइए, वीडियो को कमेंट करके कि कैसा लगा। और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।